स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किया हुआ है 4, उसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था, जिसके अंदर था आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड था जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम होती थी, तो जिससे ट्रांसफर होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता था, जो जिस पर ट्रांसफर की जा रही है इलेक्ट्रॉन जिसको दिया जा रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आता था। तो ये जो इंट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती थी, हम कहते हैं ये जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। उसके बाद हमने कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या था, जिसके हम के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी दोनों दो एटम जो हैं वो आपस में इक्वली शेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कहा था स्टेबल होने के लिए हर एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो, और वो किस तरह स्टेबल हो सकता है, या तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉन्स सारे एटम्स 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए काम करते हैं। तो कोवलेंट बॉन्डिंग के केस में हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे के पास भी एक है, तो जब ये दोनों कंबाइन करते हैं इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है और ये एक बॉन्ड बनता है जो कि स्टेबल होता है। ठीक, तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही थी। थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसको आपने आज करना है, वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड? ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड से तो आपको पता चल रहा है म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, लेकिन कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेशन होता है हेल्प करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा जी, इसमें आपको पता है हर एटम को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने अपने उसमें ऑक्टेट के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन जो है 15 में है, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? नाइट्रोजन जो है उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसलिए वो कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स बनाता है इन केस अमोनिया NH3। ठीक, अब हम कहते हैं नाइट्रोजन के पास, अब देखें इसने 3 बॉन्ड्स बनाए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 15 ग्रुप में, इसके पास टमोस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 तो बॉन्डिंग में यूज हो गए, 2 उसके पास फिर भी बचे होते हैं। ठीक है, दीज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, इनको कहा जाता है लोन पेयर्स। लोन पेयर यानी वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हो रहे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं लोन पेयर। उसके अलावा अब हम कहते हैं ये 2 पेयर हैं, अब आपको पता बॉन्ड बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही चाहिए होता है। ठीक, तो हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड बनेगा 2 एटम्स के बीच में या ग्रुप ऑफ एटम्स के बीच में, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होगी, लेकिन जिस तरह पहले हो रहा था कि दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ऐसा नहीं होगा, बल्कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक स्पीशी डोनेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एच पॉजिटिव देखें आप, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, एच पॉजिटिव आयन, ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव का मतलब है इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हुआ है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही होता है, जब उसने लूज कर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, तो अगर उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाया जाए, ठीक है, हम कहते हैं ये अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करती है, वो हाइड्रोजन को कहती है तुम क्यों अकेले जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बॉन्डिंग कर लेती हूँ, अकेले मत रहो, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कैसे बॉन्ड बनाऊँ तुम्हारे साथ। तो नाइट्रोजन से कहेगा नहीं, मेरे पास 2-2 पड़े हुए हैं, चलो बॉन्ड बनाने के लिए 2 ही चाहिए, दोनों मेरी तरफ से ले लो। जिस तरह पार्टनरशिप हो, 2 पार्टनर्स हों, और लेकिन एक सारे का सारा कॉन्ट्रीब्यूट करे और दूसरा कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट ना करे, ये वो वाला हिसाब है। तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बन जाता है, NH3H। ठीक है, अब चूंकि नाइट्रोजन ने डोनेट किया है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि अब इसके पास डेफिशिएंसी होगी, इसने एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्रोमाइज़ करके, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसीलिए इस बॉन्ड के आगे हम एरो का साइन लगा देते हैं। दैट एरो और दैट साइन इज नोन एज दिस इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आपको दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है BF3 एंड अमोनिया, इन दोनों के बीच में कहते हैं अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है। अब BF3 है, बोरॉन देखें, बोरॉन जो है उन्होंने अगर आपको ड्रॉ करके बताया जा सके, 3 तरफ उसके फ्लोरीन अटैच हैं, ठीक है, इसके 3 ही बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3, और फ्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन आया। अब कितने हो गए, 2, 2, 4 और 2, 6। ठीक, अब स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए थे, 8 चाहिए थे, इसके पास 2 की कमी है अभी भी। अब हम कहते हैं कि ये ना तो क्या करेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कहीं से, अमोनिया हमारे पास नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन के पास ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके पास 2 अभी भी पड़े हुए हैं, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देना चाहेगा कि मुझसे ले लो तुम। तो आपका रिजल्ट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा जी, अमोनिया एरो
और इधर BF3, ठीक। दैट बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक होता है डोनर एटम या ठीक है मॉलिक्यूल जो डोनेट करता है, एक होता है एक्सेप्टर एटम जो कि एक्सेप्ट करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जब प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट इज नोन एज एडक्ट। ये तीन चार डेफिनेशन हैं जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद आ जाती है बात, दो आपके स्लाइटली बताया गया है जी दो डिफरेंसेस के, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, शॉर्ट आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हमने कहा कोवलेंट बॉन्ड कौन सा है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर कर रही है, ठीक। अब पोलर का क्या मतलब है, पोलर का मतलब है हैविंग टू पोल्स, मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। यानी पॉजिटिव किसके साइड पे आता है, जिसमें डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और नेगेटिव किसके पास आता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाता है साइन। नॉन पोलर जिसमें कोई पोल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, आप इसमें किसी के ऊपर भी पॉजिटिव या किसी के ऊपर नेगेटिव शो नहीं कर सकते, Cl बिटवीन Cl, इनमें से भी किसी के ऊपर ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव शो किया जा सकता है। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज ऐसा बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर हम म्यूचुअल शेयरिंग होती है और उसके अंदर कोई भी पोलैरिटी या पोल्स क्रिएट नहीं हुए होते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इतना कंपेरेबल नहीं होता या बिल्कुल भी नहीं होता या ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब दोनों अगर कोवलेंट बॉन्ड बने बिटवीन सिमिलर एटम्स, एक जैसे एटम्स के बीच में बनेगा, तो वो कहते हैं इस केस में क्या होगा जी, ना तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे कि ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग हुई है, किन के बीच में, जैसे सिमिलर एटम्स थे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ये सारे जो हैं वो क्या कहलाएंगे आपके पास, ये सिमिलर एटम्स हैं। जब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है क्या, कि अगर आपके पास एक बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग की है, दोनों ने इक्वल इक्वल, एक किसने डाला एक किसने डाला, लेकिन एक स्मॉलर एटम है एक हैवियर एटम है, एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा पुल करेगा, जो अपनी तरफ खींचेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है, नेगेटिव, जिससे दूर हो रहे इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ सकता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कि कौन मोर पावरफुल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है और नेगेटिव चार्ज अटेन कर सकता है, ठीक। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो होता है किसके, सिमिलर एटम्स के केस में। ऐसे बॉन्ड्स को कहते हैं जो उनके दरमियान में बॉन्ड बनता है, उन बॉन्ड्स को कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको कहा जाता है, कि अगर कोवलेंट बॉन्ड बने दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, शेयरिंग भी हुई है किधर से आए किधर से आए, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो वैल्यू है या ताकत है, वो हम कहते हैं हैलोजन्स में ज़्यादा है, यानी हैलोजन्स मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। जब भी इनको अपनी तरफ खींचेंगे ठीक है, बॉन्ड टूटा नहीं है लेकिन बॉन्ड के अंदर ही अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो उस पुल करने की वजह से एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिससे दूर हो रहे हैं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसी तरह HCl की एग्जांपल है, तो कहते हैं इनके बीच में भी यही केस चलता है जी, के हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज़्यादा पुल हो जाते हैं, दूसरी तरफ कम पुल हो जाते हैं, जिसकी तरफ ज़्यादा होते हैं उस पर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल का मतलब है थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ आएगा जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ज़्यादा, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ आएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जिससे दूर हुए इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो बॉन्ड कहलाएगा आपका, ये बॉन्ड कहलाएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। क्वेश्चन आते हैं व्हाई बॉन्ड बिकम्स पोलर, डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट, एंड हाउ कैन यू से दैट अ बॉन्ड इज पोलर। तो उसमें आपको मेन रीज़न यही बतानी होती है कि जब दो डिससिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो एटम अपनी तरफ ज़्यादा पुल करता है और एक की तरफ कम पुल हुआ होता है, ठीक है, होल्ड हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो जिसके ऊपर ज़्यादा होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऐसा बॉन्ड जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड।